हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये इस चैप्टर की हमारी फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज हमारी जो है पेज नंबर 477 पर है। रीड करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13 -3/13 -4/13 सेकंड लाइन के लिए 4/13 12/13 3/13 और थर्ड लाइन की डायरेक्शन कोसाइन दी है 3/13 -4/13 12/13 और प्रूव करना है कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर, सेकंड लाइन थर्ड के परपेंडिकुलर और थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन के परपेंडिकुलर है और यहां दिया है डायरेक्शन कोसाइन। तो हेयर हेयर फोर लाइन फर्स्ट फर्स्ट लाइन के लिए हमें दिया है डायरेक्शन कोसाइन से L1 इज इक्वल टू 12/13 M1 इज इक्वल टू -3/13 एंड N1 इज इक्वल टू -4/13 फोर सेकेंड लाइन फोर लाइन सेकंड लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइन लेट L2 इज इक्वल टू 4/13 M2 इज इक्वल टू 12/13 एंड M3 इज इक्वल टू 3/13 फोर लाइन थर्ड। तीसरी लाइन के लिए क्या दिया है डायरेक्शन कोसाइन लेट L3 इज इक्वल टू 3/13 M3 इज इक्वल टू -4/13 एंड N3 ये N2 था N3 इज इक्वल टू 12/13। अब हमें बताना है कि लाइन L1 परपेंडिकुलर L2 L2 परपेंडिकुलर L3 और L3 परपेंडिकुलर L1 फोर लाइन फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के लिए हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी अगर उनके कोरस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशोस का सम जीरो होगा। यानी कि मैं रफ लिख दूं पहले, इफ L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू M2 इज इक्वल टू जीरो देन तो हम कहेंगे लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड, लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर है। नाउ हम फाइंड आउट करते हैं L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू L1 12/13 इंटू L2 4/13 प्लस M1 -3/13 इंटू M2 12/13 प्लस N1 -4/13 इंटू N2 3/13 मल्टीप्लाई करते हैं, सम करते हैं 12 4 48 13 13 169 प्लस माइनस
12 3 36 by 169 माइनस 4 12 by 169 प्लस एक साथ माइनस एक साथ 48, या फिर मैं ये कहूँ 169 एलसीएम आ गया, 48 माइनस 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 48 माइनस 36 माइनस 12 माइनस 48 अपॉन 169 दैट इज 0 by 169 इक्वल टू 0. हैंस लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेकंड, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है. इसी तरह से हम लाइन फोर लाइन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड के लिए करेंगे और इसी तरह से करेंगे फोर लाइन थर्ड एंड फर्स्ट, और सबकी वैल्यू हमारी जीरो आएगी. कह देंगे कि हमारी ये तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर. क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 एंड 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर. इन दो पॉइंट से होकर के जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर है टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6. इन पॉइंट से होकर के जाने लाइन, यानी कि दो लाइन दिए, एक लाइन इन पॉइंट से होकर के जाती है और सेकंड लाइन इन पॉइंट से होकर के जाती है. ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसी तरह से हम कर सकते हैं इनकी लाइन के हम निकाल लें डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे फर्स्ट लाइन की, सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन फर्स्ट की तरह से हम उनकी मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो शो कर देंगे. अगर वो जीरो आता है तो कह देंगे कि ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. द डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो निकाल लें, डायरेक्शन रेशोस ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू फर्स्ट पॉइंट 1 1 -2 एंड 3 4 -2. सपोज डायरेक्शन रेशो हमारी a1 b1 c1, तो a1 हमारा आ गया x2 - x1 3 - 1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू y2 - y1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू z2 - z1 इज इक्वल टू -2 - -2 दैट इज -2 + 2 इज इक्वल टू 0 एंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, सेकेंड पॉइंट दिए 0 3 2 एंड 3 5 6. सेकेंड लाइन के लिए हमने मान ली डायरेक्शन रेशोज a2 b2 c2 हैं, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू x2 - x1, 3 - 0 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू y2 - y1, y2 5 - 3 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू z2 - z1 इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू +4. नाउ a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 इज इक्वल टू a1 2 × 3 2 × 3 + b1 3 b2 2 + c1 0 × c2 4.
ये गलत ले लिया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था हमारा 1-1+2 था, 1-1+2 था। जब यहाँ हम b2 निकालेंगे तो 4-1+5 और ये आ गया -2-2 यानी कि -4। अब 2, 3, 5, 2 यहाँ आएगा हमारा 5, 2 यहाँ -4 -4+4 ये सरब ठीक है। 3 to 6 + 5 to 10 + -4 = 16 + 16 = 0। जब इनकी डायरेक्शन रेशोज के प्रोडक्ट का सम 0 आ गया तो कह देंगे गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, हैंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूव करना था, थोड़ा ध्यान करना था यहाँ। क्वेश्चन थर्ड, थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं एनसीईआरटी बुक से। थर्ड क्वेश्चन कहते हैं सो दैट द लाइन टू द पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन टू द पॉइंट्स। क्वेश्चन हमारा सिमिलर है, यहाँ भी हम फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, सेकेंड लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। अगर उनके डायरेक्शन रेशोज की रेशो अगर हमारी कॉन्स्टेंट आ जाए, दैट इज a1/a2 = b1/b2 / c1/c2, ये अगर हमारे सेम आते हैं तो कह देंगे ये लाइन हमारी कैसी है पैरेलल। निकालते हैं द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन पासे थ्रू द पॉइंट। पॉइंट कौन से दिए हैं, ध्यान से करेंगे 4, 7, 8 and 2, 3, 4। डायरेक्शन रेशो हमारी क्या जाएगी, a1 = मैं डायरेक्ट कर दूं आज, वहां तो मैंने फॉर्मूला लिख किया गया था 2-4-2। b1 = 3-7-4 एंड c1 = 4-8-4 एंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिए हैं -1-2, 1 and 1, 2, 5। Therefore, a2 = x2 - x1, 1 - + 2, b2 = 2 - and c2 = 5 - 1, 4। अब हम निकाल लिए रेशो, देयरफॉर a1/a2 निकालिए, b1/b2, c1/c2। देयरफॉर a1/a2 = फिर निकालेंगे b1/b2 = एंड c1/c2 = कॉपी करते हैं a1/a2 -2/2 - 2/2 b1/b2 - 4/4 -4/4 एंड c1/c2 -4/4 - 4/4। रेशो हमारी कितनी आ गई, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो देखते हैं कि a1/a2 = होगा b1/b2 = है c1/c2। जब दो तीनों की रेशो हमारी कॉन्स्टेंट आ गई कह देंगे गिवन लाइंस आर पैरेलल, हेंस गिवन लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ प्रोसीड करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 2k। यह क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल 6 जैसा है, एग्जाम्पल 6
ये रहा एग्जांपल सिक्स, एक वेक्टर दिया था उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर निकाल दिया जिसके पैरेलल वेक्टर बी आ गया, वेक्टर इक्वेशन हमारे आ गया r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो एग्जांपल सिक्स की तरह से हम इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन फोर्थ हमारा है एग्जांपल सिक्स, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासे थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2y माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन i प्लस 2j माइनस k। यह भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल सिक्स जैसा ही है, इसको भी हम डू योर सेल्फ सम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सिक्स, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस 2, 4, माइनस 5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय x प्लस 3 बाय 3, y माइनस 4 बाय 5 एंड z माइनस 8 बाय 6। तो इस पॉइंट से होकर के जाता है, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम पोजिशन वेक्टर निकालेंगे जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा a को, और इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन से हम सेकंड वेक्टर बी निकाल लेंगे जिसकी डायरेक्शन जैसे हमारी होती है डिनोमिनेटर ए वन बी वन सी वन, यहाँ से वेक्टर हमारा बी आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर हमारा ए है, और फॉर्मूला हम रख देंगे क्वेश्चन फिफ्थ फोर्थ की तरह से। करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन सिक्स, द वेक्टर पोजिशन पोजिशन वेक्टर सॉरी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट माइनस 2 प्लस 4 माइनस 5 इज, लेट वेक्टर ए, वेक्टर ए हमारा आ गया माइनस 2y प्लस 4j माइनस 5k एंड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, गिवन लाइन हमारी कौन सी x प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 5 इज इक्वल टू z प्लस 8 बाई 6। इसके कोरस्पॉन्डिंग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लें, x माइनस माइनस 3 बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 5 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 8 बाई 6। हालांकि जो हमारी वेक्टर b होगा जिसके पहले लाइन हमारी होगी उसके तो डायरेक्शनल रेशोज नीचे हैं, ऊपर के साइन से हमारा कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी कर दिया, यहाँ से डाइट कर सकते थे। एंड लाइन इज पैरेलल टू द लाइन दिस, देयरफॉर वेक्टर बी हमारा क्या, जिसके पैरेलल होगा वेक्टर बी हमारा होगा 3i प्लस 5j प्लस 6k। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through किसके पॉइंट माइनस 2, 4, माइनस 5 एंड पैरेलल टू द लाइन b इज इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 6k। अब यह बन गया हमारा क्वेश्चन फोर्थ, क्या आएगी इक्वेशन, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, r इज इक्वल टू a प्लस ए मीन इस पॉइंट के पोजिशन वेक्टर जो हमने निकाल लिया माइनस 2y प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा बी, बी वेक्टर हमारा 3i प्लस 5j प्लस 6k, ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म। लेकिन इसने कहा है कार्टेशियन फॉर्म,
ये तुम्हारी वेक्टर फॉर्म आ गई। वेक्टर फॉर्म कहता तो हमारा आंसर यहीं तक ठीक था, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म का है तो कार्टेशियन फॉर्म हमारी क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट कर सकते थे। क्वेश्चन सिक्स को कार्टेशियन के लिए करते हैं हम। द लाइन इज पासिस थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से हो जाते हैं, -2, -4, -5। देयर फोर x1=-2, y1=+4 एंड z1=-5 एंड लाइन इज पैरेलल टू द लाइन, किस लाइन के पैरेलल है, x+3/3=y-4/5, z+8/6। देयरफॉर a=3, b=5, and c=6। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म पे ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या आएगी, x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। x-x1, x-x1, x--+2/a, a-3, y-y1, y-4/b, b-5 = z-z1+5/c, c-6। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म का आंसर आ गया। वेक्टर फॉर्म कहता तो ऐसे कर रहे थे, कार्टेशियन फॉर्म का तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन x-5/3=y+4/7=z-6/2, राइट इट वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। गिवन लाइन हमारी क्या है, वी हैव x-5/3=y+4/7=z-6/2। कंपेयरिंग करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है हमें r=a+λb की फॉर्म में लिखना है। तो हमें चाहिए वेक्टर a, वेक्टर a मीन जिन पॉइंट से होकर के जाता है, दैट इज x1, y1, z1 हमारे यहाँ से मिलेंगे। b मीन वह वेक्टर जो जिसके पैरेलल है और पैरेलल की डायरेक्शन रेशियो मिलती है डेनोमिनेटर से, a b c, यहाँ से वेक्टर हम बी निकाल लेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c, देयरफॉर x1=5, y1=-4, and z1=+6, एंड a=3, b=7, and c=2। Therefore, vector 4 of the given equation is क्या आएगी, r=a+λ, a हमारा आएगा 5i-4j+6k, 5i-4j+6k प्लस लैम्डा, बी हमारा आएगा 3i+7j+2k। ये हमारी आ गई, लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट ए वेक्टर हमारा क्या आ गया, ए वेक्टर हमारा आ गया यहाँ से 5i-4j+6k, और यहाँ से मैं लिख दूँ वेक्टर बी मिलेगा 3i+7j+2k।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन दैट इज 0, 0 एंड 5, -2, 3। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा जैसा हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 का। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में कहा था कि हमारा जो इक्वेशन निकालने हैं उन दो पॉइंट से निकालने हैं जिन्हें कोऑर्डिनेट दिए हैं ए बी। यहाँ से हमने वेक्टर ए निकाल लिया, कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर बी निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म हमारी आ गई और एक्स्ट्रा हमने इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी निकलवाई थी। इसको हम एग्जाम्पल 7 की तरह से कर लेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे है जैसे हमारा एग्जाम्पल 7। डू योर सेल्फ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।